हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और धमाकेदार जॉब की अपडेट को लेकर। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है फ्रेंड्स। बिहार में पंचायती राज विभाग की तरफ से बम्पर पदों के ऊपर वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए ऑल इंडिया की मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी और टोटल पदों की बात करें तो 15,610 यानी कि 15,610 पोस्ट रहेगा। तो अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल जानकारी देखना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। चलिए फिलहाल तो ये समझते हैं कि बम्पर सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिए, वैकेंसी दो तरह से आएगी। ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया, बकायदा न्यूज में आया है, पेपर में छपा है और बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। देखिए, परमानेंट पोस्ट जो रहेगा ना वो आपका 43,051 यानी 43,051 होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाला 11,259 रहेगा। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोनों ही तरह का पोस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। परमानेंट पोस्ट का मतलब होता है कि आपका एकदम सरकारी जॉब हो गया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है ना वो भी आपको अप टू 60 ईयर्स वर्क करने का मौका मिलता है, बाद में वो भी सरकारी हो जाता है। तो दोनों अपॉर्चुनिटी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए फिलहाल देखते हैं कौन कौन सा सीट परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है। परमानेंट वाले में पंचायती राज पदाधिकारी का 112 यानी 112 पोस्ट है, पंचायत सचिव का 3525 सीट है, अंकेक्षक के लिए 28 पोस्ट रहेगा, निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी लोअर डिवीजन कलर के लिए 505, कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट के लिए 5 पोस्ट रहेगा, जिला परिषद कनीय अभियंता के लिए 104 यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहेगी, जिला परिषद में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 72। तो ये टोटल आपका परमानेंट पोस्ट आएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी बहुत सारे आपको अच्छा बम्पर पद रहेगा, 11,259 यानी 11,259। लेखपाल सा आईटी सहायक के लिए 7,070 अभी जो आपका आया है लेखपाल का, सेम वैसा ही वैकेंसी अभी बहुत जल्द आने वाला है, टोटल 7,070 पोस्ट के लिए। तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 556 यानी 556, कार्यपालक सहायक का 3 पोस्ट रहेगा, ग्राम कचहरी में सहायक के लिए 1400 पोस्ट रहेगा, ग्राम कचहरी में न्याय मित्र का 2230 पोस्ट रहेगा। तो इसके लिए जो अप्लाई डेट रहेगा फ्रेंड्स, बहुत जल्द ये वैकेंसी आएगी। अभी जून लास्ट होने वाला है, जुलाई के एंड से लेके आपका अगस्त के बीच में ये वैकेंसी ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बाकी के डिटेल्स भी आपको समझा देती हूँ। अप्लाई करते वक्त जो आपसे फी लिया जाता है ना, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट, देखिए है तो बिहार के लिए लेकिन दूसरे राज्य वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अदर स्टेट इंक्लूडिंग आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपीज फॉर्म का चार्ज लिया जाएगा। वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप पर्सन एंड फीमेल कैंडिडेट से 250 यानी 250 रुपीज फॉर्म फी लिया जाएगा। आगे बात करते हैं कि इसका एज लिमिट क्या रहेगा। देखिए, अलग अलग तरह के पोस्ट है तो आपका पोस्ट वाइज एज लिमिट भी डिफर करेगा। सिंपली आपका 18 वर्ष से 37 वर्ष रहेगा। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, ओबीसी को 3 इयर्स का और एससी एसटी को 5 इयर्स का। अब रही बात की क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड होगी, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी क्योंकि अलग अलग तरह की पोस्ट है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अब जो एलडीसी के लिए अप्लाई करेंगे उनको 12th पास होना चाहिए, कार्यालय परिचारी के लिए आपका 5 पोस्ट है और इसके लिए 10th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और ऐसे ही इसमें सारे तरह से रहेगा। ग्रेजुएशन जो कर रखे उनके लिए भी है, 10वीं पास, इंटर, और इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज है, किस स्ट्रीम से 12th या ग्रेजुएशन किया है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी बच्चों के लिए खुशखबरी रहेगी। तो चलिए फिलहाल अब हम देखते हैं आगे की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपका चयन हो पाएगा। देखिए, आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज से गुजरने के बाद होगा। पहले स्टेज पर रिटेन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम होता है, उसके बाद डीवी यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा।
तो पहले देख लेते हैं कि रिटेन एग्जाम का क्या पैटर्न होगा। वैसे तो बहुत सारे पोस्ट है तो सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, पर जनरली देखा जाए तो आपका 150 क्वेश्चन रहेगा 600 नंबर के लिए, मतलब 150 क्वेश्चन फॉर 600 मार्क्स, पर क्वेश्चन 4 मार्क मिलेगा। टाइम जो रहता है ना 2 hours and 15 minutes, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट का समय होता है। निगेटिव मार्किंग 1 हो जाता है। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, साइंस के 25 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, लास्टली रीजनिंग से 50 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। इसको क्वालिफाई करते ही डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अलग अलग तरह के पोस्ट है तो सैलरी भी अलग अलग तरह का है। शुरुआत में आपका 19,900 से लेकर 63,200 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो अलग अलग सैलरी भी होगा, बाद में इंक्रीमेंट भी होगा सैलरी में। सो आई होप कि आप सभी पोस्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल समझ गए होंगे। अब भी कहीं पर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, एक लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।